दोस्तों, अगर सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ रही है तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि किस कारण की वजह से हमारी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ रही है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने और समझने वाले हैं। दोस्तों, सिलाई मशीन की सुई बार बार टूटने के टोटल 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी सिलाई मशीन बार बार सुई तोड़ती है। हम कैसे पता करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि किस कारण की वजह से हमारी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ रही है, चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ ये सुई चेंज करनी है। टूटी हुई सुई निकाल के इसमें नई सुई लगानी है। ये देखिए, नई सुई लगाएंगे तभी हम सही से चेक कर पाएंगे, तभी पता चल जाएगा किस कारण की वजह से हमारी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ती है। सुई लगाते समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, सुई में दो हिस्से होते हैं, एक तरफ ये पूरा प्लेन होता है और दूसरी तरफ एक साइड में गड्ढा सा बना हुआ था लकीर सी। तो आपको क्या करना है कि जो गड्ढे वाला निशान है सुई में, जिस साइड में गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे वाले निशान को आपको इस साइड में लगाना है। देखिए, इधर साइड में बाहर की साइड में लगाना है, रखना है, और जो प्लेन वाला हिस्सा है इसको आपको अंदर की साइड में रखना है, अंदर साइड में। और ऐसे लगा कि आपको सुई को पूरा ऊपर ले जाके यहाँ से नट टाइट करके सुई को अच्छी तरह से टाइट कर देना है, कस देना है। अब हम कैसे चेक करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। नीडल चेंज करने के बाद, यानी टूटी हुई सुई को निकाल के सही सुई लगाने के बाद, आपको मशीन के चक्के को घुमाते हुए अपने सुई को नीचे लेके जाना है धीरे धीरे से। और धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पैर के पास जब हमारी सुई आती है तो यहाँ चेक करना है आपको कि आपकी जो सिलाई मशीन की सुई है पैर में किसी साइड में टच तो नहीं हो रही है। ये दोनों जो आप देख रहे हो पैर के जो बीच में कट होता है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए हमारी सुई, कहीं टच नहीं होनी चाहिए, ना इस साइड ना उस साइड। अगर टच हो रही है तो समझिए कि इसके कारण से आपकी सिलाई मशीन सुई तोड़ रही है, तो इसको आप सही कर लें। अगर आपकी सिलाई मशीन की सुई इस पैर के किसी साइड में अगर टच नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस पैर को ऐसे ऊपर उठाना है और ये जो आप देख रहे हो जो तीस यानी दांत के बीच में जो सुराख है जिसके अंदर हमारी सिलाई मशीन की सुई अंदर जाती है, तो आपको हल्का हल्का घुमाते हुए धीरे धीरे सुई को नीचे लेके जाना है और यहाँ चेक करना है। आपको देखना है सुराख के अंदर, होल के अंदर, कि सिलाई मशीन की जो नीडल है ये नीडल होल के किसी साइड में टच तो नहीं हो रही है। अगर टच हो रही है तो इस कारण की वजह से भी आपकी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ती है। तो यहाँ आप देख लें, अगर टच हो रही है तो इसको सही कर लें। और अगर नीडल इस प्लेट के जो होल है इसके अंदर जाते समय अगर कहीं टच नहीं हो रही है तो इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताने के लिए मुझे ये पटरी वगैरह सारा कुछ खोलना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊँगा। तो चलिए इसको खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या चेक करते हैं। इन सबको खोलने के लिए हमें सुई को ऊपर उठा लेना है, फिर सबसे पहले पैर को खोलना है ऐसे। खुल जा सिम सिम, पैर खोल के निकाल के साइड में कर लेंगे, फिर इस वाली पटरी को साइड करेंगे। अब इस पटरी को खोलेंगे, यहाँ दो नट होते हैं, दोनों नट को खोल लेंगे। दोस्तों, मुझे ये दांत को खोलना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ साफ साफ दिखा के। आपको खोलने की लोड नहीं है, आप बिना खोले ही चेक कर सकते हो, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। जब तक मैं इसे खोलता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके एक कमेंट और एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। हम हेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। सिलाई मशीन की सुई बार बार टूटने का तीसरा कारण दोस्तों, ये शटल का होल हो रहा है, जो आप होल देख रहे हो ये वाला होल होता है जिसमें हमारी सुई जाती है। यहाँ पे आपको चेक करना है, ध्यान देना है, आपको चक्के को घुमाते हुए सुई को अंदर लेके जाना है, शटल के अंदर जो सुराख देख रहे हो इसके अंदर लेके जाना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चेक करना है कि आपकी जो सुई है नीडल, ये जो सुराख में जाते समय अंदर किसी साइड में इधर 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 या इधर, मतलब चारों तरफ किसी भी साइड में अगर टच हो रही है तो इस कारण से भी आपकी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ने लगती है। तो एक बार आप इसको भी देख ले, चेक करें, अगर लड़ रही है कहीं टच हो रही है किसी साइड में तो आप इसको शटल से सही कर ले। और अगर नीडल यानी सुई शटल के इस होल में अंदर जाते समय शटल के होल के किसी भी साइड में अगर टच नहीं हो रहा है और फिर भी आपकी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ रही है, तो इसके बाद आपको चेक करना है इसे घुमाते हुए कि आपकी जो सुई है इस शटल के ऊपरी सतह पे यानी प्लेट पे कहीं टकरा तो नहीं रही है। जब हमारा शटल ये घूम जाता है यानी इसकी टाइमिंग घूम जाती है, हिल जाती है, तो जो हमारी नीडल होती है इस प्लेट के ऊपर टकरा के टूटने लगती है या फिर ऐसे घुमाते समय यहाँ पे कहीं किसी साइड में फंसने लगती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप शटल की टाइमिंग सेट कर लें
फिर आपकी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ना बंद कर देगी। अगर दोस्तों हमारी सिलाई मशीन की नीडल यानी सुई शटल के ऊपरी सतह यानी प्लेट पे कहीं टकरा नहीं रही है, यानी अब तक मैंने आपको जितने कारण बताए सारे कारण सही है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है, और फिर भी आपकी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ रही है, तो इसका लास्ट कारण यही होता है कि आप अपने मशीन के क्षमता से ज़्यादा मोटा कपड़ा सिलते हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े में जोड़ जहाँ जोड़ होता है ज्वाइंट होता है वहाँ पे कपड़ा हार्ड हो जाता है, जिसके कारण से हमारी सिलाई मशीन की सुई उस हार्ड कपड़े को आर पार नहीं कर पाती है और सुई टूट जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, जाके वहाँ देखिए, आपके काम की बहुत सारी वीडियो हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमारी वीडियो देख के। जाइए हमारे चैनल पर देखिए और सीखिए। जय हिंद। स्टिचिंग कटिंग प्रिपेयरिंग लर्न ऑल स्किल्स ओनली ऑन सांगम इंडस्ट्रीज। Subscribe now.